जो कर्मचारी जो एनजीओ है वो तो आज गुटों में बंटा है, कोई त्रिलोक गुट है, कोई प्रदीप गुट है, आपने देखा कभी इन्होंने आवाज उठाई? इस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं, कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी के प्रति जो रवैया रहा हमें सकारात्मक रहा है। मैं जो कहना चाहूँगा ओपीएस बहाल की, वो भी एक इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कर्मचारी जो दो डीए की इस्तेजारी की वो भी एक इनकी इच्छा शक्ति से हुआ है। क्या कर्मचारी संघ के मुद्दों में विरोधाभास पैदा हो गया है? डीए एरियर का मुद्दा सबका एक है, लेकिन कौन कर रहा सरकार पर दबाव बनाने की सियासत? दो गुट कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू और सरकार की तारीफ, तो एक गुट ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा? क्या अपने अपने निजी स्वार्थ की है कर्मचारी संघ को चिंता? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सुक्खू सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले अपनी ओपीएस वाली गारंटी को पूरा किया था। ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि लाखों कर्मचारियों के हित के दावे करने वाली सरकार के खिलाफ ही ओपीएस मिलने के बाद सचिवालय कर्मचारी संघ क्यों मोर्चा खोलकर बैठ गया है? उधर अब इस मुद्दे को लेकर जहां एक ओर सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संघ के दो और गुटों ने सरकार का समर्थन तक कर दिया है। मंत्री राजेश धर्माड़ी के बयान के बाद मचे बवाल के बाद कर्मचारी संघ के दो गुटों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और सरकार के फैसलों को सराहा भी है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री राजेश धर्माड़ी ने एक बार फिर सचिवालय कर्मचारी महासंघ की भाषा और विरोध के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। आप पहले राजेश धर्माड़ी के ये बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर असल में मुद्दा क्या है। शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है ये हल्ला बोल दिया और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर, वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और अब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब मंत्रियों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पे कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। राजेश धर्माड़ी के जिस बयान पर बवाल मचा था उस बयान को भी आप सुनिए कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ क्यों मंत्री राजेश धर्माड़ी को घेर रहे थे, सुनिए। जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहाँ कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। सचिवालय कर्मचारी महासंघ पहले से ही डीए और एरियर को लेकर मुखर था, तो वहीं दूसरी ओर राजेश धर्माड़ी के इस बयान पर और उग्र हो गया और सुक्खू सरकार के साथ राजेश धर्माड़ी पर भी हमलावर हो गया था। सुनिए कर्मचारी नेताओं ने कैसे राजेश धर्माड़ी को घेरा था। मुझे तो साथी यह भी लग रहा है, मैं प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि हो सकता है ये मंत्री महोदय सरकार की छवि खराब करने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दी हो, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट नहीं कही जा सकती। उन्होंने सरासर हिमाचल प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों एवं अधिकारियों पेंशनर को धमकी दी है, खुली धमकी दी है। डीए और एरियर का मुद्दा हर कर्मचारी का एक ही है, लेकिन उस मुद्दे को किस तरीके से सरकार के पास रखना है अब उस तरीके पर भी सवाल खड़े होने लगे। सचिवालय कर्मचारी संघ ने खुले तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और सरकार के अंदर की बातों को खुलकर कहा जा रहा है, लेकिन क्या सचिवालय कर्मचारियों का विरोध का तरीका सही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके ही कर्मचारी संघ के दो और गुटों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मुलाकात की और अपने अपने तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी। कर्मचारियों के दो गुट ऐसे हैं जो सुक्खू सरकार के फैसलों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और एक गुट ऐसा है जो सरकार के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लामबंद हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कर्मचारी संघ के किस गुट की बातों को सही माना जाए?
तीन गुटों में बटा कर्मचारी संघ अपने अपने दावे सरकार को लेकर कर रहा है। कोई सरकार से बैठकर मुद्दों को सुलझाने की बात कह रहा है तो कोई उग्र आंदोलन की बात कहकर सरेआम जनता को अपनी बातें बता रहा है। आपको याद होगा कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने जहां एक तरफ सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संघ के गुटों को भी अपने निशाने पर लिया था। आपने सरकार और अधिकारियों को लेकर संजीव शर्मा के बयान मीडिया में खूब सुने होंगे, लेकिन आज आप कर्मचारियों के गुटों को लेकर जो बयान सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने दिया था उस बयान को भी सुनिए और उसके मायने आगे क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। जनरल हाउस का हमने ऐलान किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रविवार को मेरे को पूरे प्रदेश के कर्मचारी के लोगों के फोन आए, कहने लगे जी आपने हमारी आवाज उठाई है। कोई तो है आज प्रदेश में जो कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है? क्योंकि जो कर्मचारी जो एनजीओ है वो तो आज गुटों में बंटा है, कोई त्रिलोक गुट है, कोई प्रदीप गुट है। आपने देखा कभी इन्होंने आवाज उठाई? मतलब ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा या डीए मांगेगा तो हो सकता हमारे को मान्यता ना मिले। तो आज पूरे प्रदेश का 7 लाख जो कर्मचारी है मेरा, वो आंखें लगाए बैठा था, आंस लगाए बैठा था, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था। और मैं आपको माध्यम से बता देना चाहता था कि ये जो हमारा काम ये जो है डीए एरियर या पे एरियर इसका नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास अपनी यहाँ पे डिमांड होती है। तो सुना आपने, संजीव शर्मा कर्मचारी संघ के दो गुटों की बात कह रहे हैं। ऐसे में जिन गुटों की बात संजीव शर्मा ने कही है उन गुटों के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री सुक्खू से बिना प्रदर्शन और बिना आंदोलन के मुलाकात की है। एक है त्रिलोक गुट और दूसरा है प्रदीप गुट। सबसे खास बात यह है कि मांगे सभी गुट की कर्मचारी वर्ग के लिए एक ही हैं, लेकिन मांगे मनवाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। ये दो गुट मुख्यमंत्री सुक्खू और सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं, साथ ही सचिवालय कर्मचारी संघ के विरोध के तरीके से अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं। आप खुद सुनिए त्रिलोक चौहान और प्रदीप ठाकुर को कि उन्होंने क्या कहा है। मुझे पूरा विश्वास है अगर उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्य हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है, हम भी उनसे बात करेंगे और क्या और दिखते हैं कैसी हैं, क्योंकि सचिवालय में ये लोग हैं तो इनको ज़्यादा देखिए। हम प्रदेश के हर कर्मचारी के साथ हैं, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के जो कर्मचारी के प्रति जो रवैया रहा हमें सकारात्मक रहा है। मैं जो कहना चाहूँगा ओपीएस बहाल की, वो भी एक इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कर्मचारी जो दो डीए की किस्त जारी की वो भी एक इनकी इच्छा शक्ति से हुआ है। और आज जो मैं कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगा। और 3 महीने माननीय मुख्यमंत्री 6 महीने का समय मांग रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जैसे भी संसाधन में जुटाऊंगा, कुछ होगा तो मैं 1 महीने के अंदर भी कर्मचारी की देनदारियों को किसी तरह देने की कोशिश करूंगा। तो सुना आपने किस प्रकार से ये दो गुट सुक्खू सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सचिवालय कर्मचारी संघ के विरोध का तरीका कितना जायज है। सवाल ये है कि क्या कर्मचारी नेता अपना अपना हित साध रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कर्मचारी वर्ग अलग अलग गुटों में अपनी ही सियासत चमका रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। व्हाट इज अस्पताल कांगड़ा की तरफ से आपको, प्रदेशवासियों को, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी हार्दिक बधाई। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको पुनः एक बार बधाई।